हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव के 009 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आपने ये क्वेश्चंस कहीं भी नहीं देखे होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ साथ ये इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला है, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चरक ने लिखी थी और ये आयुर्वेद की शाखा से संबंधित है, यानी चरक संहिता में आयुर्वेद के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो हमने लिया है, चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो चरक कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे, इनके कनिष्क के समय में ये उनके राज्य वैद्य थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोथल है जो गुजरात में स्थित है, वर्तमान समय में ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जातक है, इस तरह से भी आ सकता है प्रश्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द निष्क, निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, इसका अर्थ बाद में किस रूप में प्रयुक्त होने लगा? तो ये जो निष्क शब्द है इस ये हार के लिए प्रयोग होता था और बाद में ये जो है ये वर्ड जो है आपका ये सिक्का के रूप में प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक दोनों ही कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है, महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। वेदों के उपवेद, देखिए क्वेश्चन है, वेदों के उपवेद भी होते हैं, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, और वेद जैसे चार होते हैं तो उनके उपवेद भी चार होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व देव है और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो अर्थवेद है। अथर्ववेद, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं, अथर्ववेद का अर्थवेद है। अगला प्रश्न है, तो इस तरह से जो वेद हैं वो चार हैं, उनके उपवेद भी चार हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1028 ऋचाएँ हैं। अगला है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य किसके नाम थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर इतिहास के बच्चे को पता होना चाहिए, हर इतिहास के स्कॉलर को पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही नाम चाणक्य के थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महानतम ग्रंथ की रचना की। तो चाणक्य के दो नाम और भी हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इस तरह से आ सकता है। अगला है, रत्नावली नाटक किसने लिखा? तो रत्नावली नाटक हर्षवर्धन ने लिखा। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है और पूर्व आर्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ लगभग माना जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर ज़्यादातर लाल रंग का उपयोग किया गया था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हड़प्पा में कौन से जो है बर्तनों पर कौन से
उनका यूज़ हुआ है, कौन से रंग का यूज़ हुआ है, तो ये जो है वो भाई लाल रंग का यूज़ हुआ है। और अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है हर इतिहास के स्टूडेंट के लिए। 28 दिसंबर कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया। तो वंदे मातरम जो है वो 28 दिसंबर को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया 1896 में। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया, और हड़प्पा सभ्यता या जो है आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये किस नाम से प्रसिद्ध है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये दोनों ही सभ्यताएँ सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल द बेस्ट।